बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं? कि राहुल जी पप्पू हैं। ये देखो सत्ता की आड़ में चलता हुआ खेल। जिसको लगे कि पानी जल अच्छा मिल रहा है वो पी ले, नहीं तो भागो। देखो, तुम्हारी जिंदगी जब तक दूसरों के दायरे से बंधी रहेगी तुम गुलाम रहोगे, गुलाम कुछ नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। राजनीति कहती है कि किसी पर भी हमला करने से पहले उसका सामाजिक आधार उससे छीन लो। जैसे हमारे राहुल जी हैं तो उनको उनके विषय में एक धारणा पैदा की गई कि राहुल जी पप्पू हैं। पहले उनके व्यक्तित्व को खंडित किया गया। सद्दाम हुसैन को पहले दुनिया की नजर में गिराया गया, वहां मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कहते हैं किसी पर हमला करने से पहले उसका जो सामाजिक आधार है, उसका जो सामाजिक सपोर्ट है वो छीन लो, तो वो अंदर से कमजोर हो जाएगा, फिर मारने में और मजा आएगा। हमारे देश में, पूरी दुनिया में कैरेक्टर एसेसिनेशन। तुम जब भी राइज करना शुरू करोगे ना, तुम्हारे बारे में बड़ी सारी मार्केट में, बाजार में बातें फैलेंगी। हमारे बारे में जो फैलेंगी वो तो सब सही है, सब शराब पीते तुम्हारे पैसा मांगने आए तुम्हारे घर पे। झूठ बोलते हैं। कभी आईएएस का एग्जाम नहीं दिए। तुमको इनविटेशन कार्ड देते हैं पढ़ने के लिए, ये तो दरिया है बह रही है। जिसको लगे कि पानी जल अच्छा मिल रहा है वो पी ले, नहीं तो भागो। तुम्हारे बल पर जिंदा नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूं, अपनी स्वयं की ताकत पैदा करो, अपनी यूटिलिटी पैदा करो। सबसे ज्यादा गाना किस पे बना है? दिल पे। कभी किडनी पे गाना सुना हो? लीवर पे, पेनक्रिया पे। सबसे ज्यादा गाना दिल पे, उसके बाद आंख पे, उसके बाद मन पे। लेकिन आंख अगर खत्म हो जाए तो भी जीवन चलेगा। कोमा में लोग 200 साल रहे हैं, लेकिन अगर दिल फेल कर जाए तो आदमी इमीडिएटली खत्म। तुम्हारी जितनी उपयोगिता उतनी तुम्हारी कीमत। तुम्हारी जितनी उपयोगिता उतनी तुम्हारी कीमत। इसलिए किसी चीज पे ध्यान मत दो। तुम यार इतनी चीजों पे ध्यान देते हो, जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे ना। रजिया के साथ क्या हुआ? पहले उसका क्या हुआ? चारित्रिक हनन, कैरेक्टर एसेसिनेशन। अब बेचारे की हाइट थोड़ी कम थी, 5-6 हाइट थी। घोड़ों की हाइट बढ़िया होती, 6-6 फीट। वो कूद के घोड़े पे नहीं बैठ पाती थी, तो उसका एक अधिकारी था याकूत खान, वो बेचारा हेल्प कर देता, थोड़ा हाथ वाथ लगा के बैठा देता था। तो ये तुर्क सामंत तो कहते थे, ये देखो छुरा पकड़ा देखो। अरे बोले तुर्कों की नाक कटा दिया इसने, हफ्सी के साथ इसका संबंध हो गया। हफ्सी से हो जाए, मार्स के आदमी से हो जाए, तुम चचा ठेका लियो सबका। अभी किसी रिक्शे वाले का वीडियो मिल जाए, रिक्शे वाले का, कोई हल्ला नहीं मचेगा। लोग ढूंढते रहते हैं किसी मंत्री, किसी नेता, किसी आईएएस अधिकारी, किसी बड़े आदमी का वीडियो मिल जाए। ये देखो सत्ता की आड़ में चलता हुआ खेल। तुम्हारी जिंदगी जब तक दूसरों के दायरे से बंधी रहेगी तुम गुलाम रहोगे, गुलाम कुछ नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। ये नियम है, जब भी कोई आदमी जमीन से ऊपर उठने की कोशिश करेगा उसके विरोधी सबसे पहला काम उस पर यही करेंगे, कैरेक्टर असेसिनेशन।